हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखा रहा हूँ सिक्स क्लास के मैथ का एक टॉपिक जिसका नाम है डिविजिबिलिटी टेस्ट। कैसे हम टेस्ट करते हैं डिविजिबिलिटी मेथड से कि कौन नंबर किस डिजिट से डिवाइड होगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूंगा डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय टू। जो दो है, कौन से ऐसे नंबर हैं जो दो से डिवाइड होते हैं। यहाँ मैंने पहले लिख के रखा है नंबर्स एंडिंग विद एन इवन डिजिट आर डिविजिबल बाय टू इंक्लूडिंग जीरो। जो सारे नंबर्स, कोई भी नंबर अगर होगा जिसको लास्ट पे या जीरो होगा या कोई भी इवन नंबर होगा, वो टू से डिवाइड होते हैं। जैसे मैं अगर एक नंबर लिखूंगा 3572, तो क्या ये डिविजिबल है टू से? लास्ट वाला इसका डिजिट क्या है? टू। ये इवन नंबर है, जिसको भी लास्ट पर इवन नंबर होता है तो ये टू से डिवाइड होगा। अगर मैं नंबर लिखूंगा 4, 5, 7, 8, 9, इसका लास्ट वाला डिजिट क्या है? 9। वो इवन है ऑड? वो ऑड नंबर है। जो ऑड होता है यूनिट्स प्लेस पर, वो डिवाइड नहीं होते टू से। खाली वो नंबर डिवाइड होते टू से जिनको यूनिट्स प्लेस पर जो होगा इवन डिजिट होगा। जैसे 3570, तो क्या ये नंबर टू से डिवाइड होगा? Yes. क्योंकि जिस भी किसी नंबर को यूनिट्स प्लेस पर जीरो होता है तो वो डिवाइड होता टू से। तो टू के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? यूनिट्स प्लेस पर या तो इवन डिजिट होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। वो सारे नंबर्स जिनको यूनिट्स प्लेस पर ऑड डिजिट होता है, वो डिविजिबल बाय टू से नहीं होते। जैसे मैं लिखूंगा 7, 5, 8, 9, 3, क्या ये नंबर डिवाइड होगा टू से? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 3 जो है वो ऑड नंबर है। शाबाश, इसका जो यूनिट्स प्लेस पर जो डिजिट है दैट इज 3 ऑड नंबर में आता है। तो जिनका यूनिट्स प्लेस पर ऑड नंबर होता है, ऑड डिजिट होता है, वो डिविजिबल बाय 2 से नहीं होते हैं। तो एक और नंबर में लिखता हूँ 8, 4, 3, 2, क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है? यस। क्यों? 2 इवन नंबर है। क्योंकि इसके जो यूनिट्स प्लेस पर है 2 है, 2 है इवन नंबर। तो ये था डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3। 3 से कौन से ऐसे नंबर है जो 3 से डिवाइड होते हैं? तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे मैंने लिखा 7, 4, 3, तो 7, 4 जो 3 है, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए सबसे मुझे पहले देखना होगा इसका सम ऑफ डिजिट्स का, सम ऑफ डिजिट्स। पहले मैं इसके डिजिट्स को सम करूंगा। जैसे इसका 7 एक डिजिट है, 4 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है, तो ये 7 में टोटल में अगर सम करेंगे इन डिजिट्स को तो कितना बनता है? 14। शाबाश, ये सम ऑफ डिजिट्स है 14। तो क्या 3 के टेबल में 14 होता है? नहीं, 3 के टेबल में 14 नहीं होता है। तो ये जो सम ऑफ डिजिट्स है, ये 14 आ गया, विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका नंबर है ये क्रॉस। इसका मतलब है कि ये जो 743 है, ये डिविजिबल बाई 3 से नहीं है। इट इज नॉट, 743 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। तो एक और नंबर मैं लेता हूँ 729, ज़रा इसका देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट, क्या ये 3 से डिवाइड में होगा। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं सम ऑफ डिजिट्स। ज़रा इसका सम ऑफ डिजिट्स आप देख लो, 7 + 2 + 9 इज इक्वल टू 18। शाबाश, क्या 3 के टेबल में 18 होता है? यस। 18 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। जो सम ऑफ डिजिट्स है वो मल्टीपल है 3 का, 3 के टेबल में 18 आता है, तो ये नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 3 से। अब हम एक और नंबर यहाँ पर लेते हैं 512। हम देखते हैं क्या ये डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे सम ऑफ डिजिट्स। जरा इसका सम ऑफ डिजिट्स आप निकाल दो, 5 + 1 + 2 = 8। शाबाश, तो सम ऑफ 512 जो है, इसका सम ऑफ डिजिट्स कितना आ गया? 8। सम ऑफ डिजिट्स कितना आ गया? 8। क्या 3 के टेबल में 8 आता है? नहीं। तो 8 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, इसलिए 512 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 512 3 से डिवाइड नहीं होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4।
कौन से नंबर चार से डिवाइड होते हैं और कौन से नंबर चार से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे हम पहली एग्जांपल लेंगे 128। अगर ये टेस्ट उन नंबर्स के लिए है जिनके मैक्सिमम डिजिट्स तीन होंगे, अगर कोई नंबर है मैक्सिमम डिजिट्स तीन है तो लास्ट वाले डिजिट्स आप जो दो है आप दो का देख लो, क्या लास्ट वाले दो डिजिट्स चार से डिवाइड होते हैं? 4 7 से कितना हो गया 28। तो लास्ट वाले जो दो डिजिट्स है वो डिवाइड हो गए किससे? 4 से। तो 128 का जो लास्ट वाले टू डिजिट्स थे वो था 28। तो मैंने लास्ट वाले टू डिजिट्स को डिवाइड किया 4 से तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। इसलिए जो 128 है इसके लास्ट वाले दो डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 है, देयरफॉर इट इज द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो अगर आपके तीन डिजिट वाला नंबर है तो आपको ये देखना है कि लास्ट वाले दो डिजिट्स चार से डिवाइड होते हैं कि नहीं। अगर चार से डिवाइड होते हैं तो डिविजिबल बाय 4 है, अगर लास्ट वाले दो डिजिट्स 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर डिविजिबल बाय 4 नहीं है। हम तो एक और नंबर लेते हैं, जैसे चार डिजिट्स का लेते हैं। अब हम लेते हैं चार डिजिट वाला नंबर, 4 डिजिट नंबर। अब हम देखेंगे अगर किसी नंबर के चार डिजिट्स होंगे, अगर किसी नंबर के चार डिजिट्स होंगे, जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर लिखता हूँ 1284 सपोज मैंने एक नंबर ले लिया, इसके तीन नहीं इसके चार डिजिट्स है, 4 डिजिट्स है इसके। अगर आपका चार डिजिट वाला नंबर है तो या चार डिजिट से ज़्यादा भी होगा, इफ़ यू हैव अ नंबर विच हैज़ 4 डिजिट्स और मोर देन 4 डिजिट्स, नंबर ऐसा है जिसके चार डिजिट है या चार से ज़्यादा है, 5 है 6 है 7 है 8 है 10 है जो भी है, आपको खाली लास्ट वाले तीन डिजिट्स देखने हैं, लास्ट वाले तीन डिजिट्स उनको देखना है क्या वो डिविजिबल बाय 4 है लास्ट वाले तीन डिजिट्स। तो लास्ट वाले टू डिजिट्स क्या है? लास्ट वाले 284। हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 7 28, यहाँ से आपका 4 आ गया, नीचे आ गया, 4 1 कितना हो गया 4। तो ये पूरी तरह से डिविजिबल बाय जो चार डिजिट वाला नंबर है या चार से ज़्यादा होगा। तो आपको लास्ट वाले तीन डिजिट्स का टेस्ट करना है क्या वो चार से डिविजिबल है। यहाँ हमने देखा 284 चार से पूरा डिवाइड होता है, तो ये नंबर जो है 1284 इट इज़ डिविजिबल बाय 4, ये चार से डिवाइड होता है। तो इस तरह से अगर हमारे पास तीन डिजिट नंबर होगा तो लास्ट वाले दो का देखना चार से डिविजिबल बाय है कि नहीं, है तो यस, नहीं है तो नो। अगर चार डिजिट वाला होगा या 5 होगा 6 होगा 7 होगा 10 होगा जो भी होगा चार से ज़्यादा, तो उसको खाली लास्ट वाले तीन डिजिट्स का टेस्ट करना होता है कि 4 से इफ दे आर डिविजिबल बाय 4, अगर है तो नंबर है डिविजिबल बाय 4, अगर लास्ट वाले तीन डिजिट्स चार से डिवाइड नहीं होते तो द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो ये हमारा टेस्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट था किसी भी नंबर का 2 से 3 से और 4 से। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे 5 6 7 8 9 10 11 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओके, थैंक्स अ लॉट।